सीतापुर के लिए माह जून का पहला दिन गौरवशाली रहा। जनपद को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। भारत के सहकारिता आंदोलन को विकसित करने और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ नेता पूर्व MLC भरत त्रिपाठी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारिता बंधु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MCUI नई दिल्ली के ऑडिटोरियम में चेयरमैन इफकोवा पूर्व सहकारिता मंत्री गुजरात सरकार दिलीप संघानी की अध्यक्षता में हुई। इफको की 51वीं वार्षिक आम बैठक में भरत त्रिपाठी को राष्ट्रीय सहकारिता बंधु सम्मान शील्ड के साथ 11 लाख रुपए की राशि और प्रशस्त पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बता दें कि पूर्व MLC भरत त्रिपाठी का चयन वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय इफको सहकारिता बंधु पुरस्कार के लिए देश के प्रमुख उर्वरक उत्पाद संस्थान इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव लिमिटेड इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी व संस्थान निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया था। ग्राम स्तर पर सहकारिता विकास व महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किए गए इस वार्षिक सम्मान के मौके पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, सचिव DC DM सीतापुर उदयवीर सिंह, इफको के विपणन निदेशक योगेंद्र वर्मा, शिक्षक नेता सुरेश तिवारी, संतोष पांडे उपाध्यक्ष इफको बलबीर सिंह, ऋषि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों से इफको और कृषकों के निर्वाचित डेलीगेट के अलावा भरत त्रिपाठी 7 बार सीतापुर में DC DM के चेयरमैन रहे। 5 बार वो जूट संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। 2 बार MLC पद पर रहने के अलावा नगर पालिका सीतापुर में चेयरमैन रहे। RMB डिग्री कॉलेज सीतापुर में अध्यक्ष एवं वकालत पेशा के दौरान बार एसोसिएशन सीतापुर में सचिव पद पर दायित्व का निर्वहन किया। इसके अलावा क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन एवं दलहन तिलहन फेडरेशन में चेयरमैन प्रशासक पद पर रहते हुए फेडरेशन को सेवाएं प्रदान की। भरत त्रिपाठी मौजूदा समय इफको की राष्ट्रीय सोसाइटी के निर्वाचित सदस्य हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।